आपका कॉमर्स अचीवर प्लेटफॉर्म पे। इस प्लेटफॉर्म पे हम कॉमर्स एंड मैनेजमेंट रिलेटेड सारे सब्जेक्ट्स को टाइम टू टाइम कवर करेंगे और आपके पास क्वालिटी नॉलेज पहुँचाएंगे। डिफरेंट कोर्सेज हैं, हम उसको भी आप तक पहुँचाएंगे। सो क्वालिटी नॉलेज पाते रहने के लिए, रेगुलर अपडेट और अच्छे स्कोर और अच्छा फ्यूचर क्रिएट करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि जब भी नए वीडियोस अपलोड हों या नए कोर्सेज प्रोवाइड हों वो आप तक सबसे पहले पहुँचें। तो इस वीडियो के माध्यम से आज हम इनकम टैक्स के टॉपिक को डिस्कस करेंगे। इनकम टैक्स में हम डिस्कस करेंगे रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ इंडिविजुअल। ठीक है, इसमें हमने बेसिक कंडीशंस ऑलरेडी एक वीडियो में कवर करी हैं। बेसिक कंडीशंस के साथ साथ बहुत ज़्यादा ही इम्पॉर्टेंट और छोटे छोटे फैक्ट्स हैं जिसको उस वीडियो में कवर करा है। तो स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को देखने से पहले उस वीडियो को ज़रूर देखें, नहीं तो कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा, क्योंकि बहुत ही छोटे छोटे फैक्ट हैं, इसलिए डिफरेंट छोटे वीडियोस में क्रिएट किए जा रहे हैं। ठीक है, और आज हम देखेंगे एडिशनल कंडीशंस को। ठीक है, तो चलिए बिना समय गवाए फटाफट देख लेते हैं, एक बार रिकॉल कर लेते हैं हमारे बेसिक कंडीशंस को। ठीक है, सो आप लोग सपोर्ट करिए। बेसिक कंडीशंस जो हमारी मेंशन थी वो मेंशन थी सेक्शन 6 सब क्लॉज 1 में, जिसमें ये बोला गया था कि अगर पर्सन है उसको कोई भी वन कंडीशन सेटिस्फाई करनी है, अगर एक भी कंडीशन सेटिस्फाई हुई तो वो रेसिडेंट है, और अगर निल कोई कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई तो वो क्या हो जाएगा, नॉन रेसिडेंट हो जाएगा। तो वो कंडीशंस क्या हैं, वो हमारी कंडीशंस हैं, पहली कंडीशंस और ए कंडीशंस क्या हैं, उनको इंडिया में रहना है कब, प्रीवियस ईयर में फॉर 182 डेज और मोर। और सेकंड कंडीशंस क्या हैं कि उनको इंडिया में रहना है कब, प्रीसीडिंग रिलेवेंट प्रीवियस ईयर, जो भी रिलेवेंट प्रीवियस ईयर उसका प्रीसीडिंग कितने, 4 साल, 4 ईयर्स। ठीक है, में उनको इंडिया में कितना रहना है, 365 डेज और मोर। एंड क्या कंडीशन है कि उसको प्रीवियस ईयर में कितना रहना है, 60 डेज रहना है। ठीक है, इसको लीगल रीडिंग कर लेते हैं फटाफट। बेसिक कंडीशन, ही हैज़ बीन इन इंडिया ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर फॉर अ टोटल पीरियड ऑफ 182 डेज और अ मोर। टोटल पीरियड की बात हुई है, कॉन्टिन्यूस पीरियड की बात नहीं हुई है। ठीक है, 182 डेज और मोर इक्वल टू प्लस 182 डेज, और ही हैज़ बीन इन इंडिया ड्यूरिंग द 4 ईयर्स इमीडिएटली प्रिसीडिंग the previous year for a total period of 365 days or more and has been in India for at least 60 days in the previous year. ठीक है, ये basic condition है। अगर एक भी कोई condition satisfy होती है तो वो resident होगा, और अगर कोई condition satisfy नहीं होती तो वो non-resident होगा। इसका exceptions बताया था, क्या exceptions था, एक्सेप्शंस के लिए केवल 182 डेज और मोर का ही कंडीशन है, यानी केवल ए क्लॉज एप्लीकेबल होगा, बी वाला कंडीशन नहीं एप्लीकेबल होगा। ठीक है, सो कौन कौन से एक्सेप्शंस थे, एक जो एम्प्लॉयमेंट के लिए बाहर जा रहे हो, दूसरा क्रू मेंबर, और तीसरा वो बाहर कोई बिजनेस कर रहे हैं, प्रोफेशन कर रहे हैं, या बाहर एम्प्लॉयमेंट में है, या किसी एनी अदर वोकेशन में है और लास्ट ईयर आए हैं इंडिया में। ठीक है, तो ये तीन एक्सेप्शन है जिसमें केवल 182 डेज वाली कंडीशंस रहेंगे। ठीक है, सो आई होप आपको पूरा रिकॉल हो गया हो और बहुत सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बताए थे। प्लीज़ स्टूडेंट, आप उस वीडियो को ज़रूर देखेंगे। ठीक है, तो चलिए आज अब हम फटाफट स्विच करते हैं एडिशनल कंडीशंस पे। ओके, एडिशनल कंडीशंस, इस एडिशनल कंडीशन से हमें सिर्फ दो ही चीज़ें पता पड़ेंगी, वो रेसिडेंट तो था पर्सन, बट वो रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट है, या रेसिडेंट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट है। ठीक है, ओके, तो इसमें क्या है, अगर किसी को रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट है तो उसको बोथ कंडीशंस
सेटिस्फाई करनी होगी, ठीक है, बोथ कंडीशंस उसको मीट आउट करनी होगी, ठीक है। क्या पहली कंडीशन है? पहली कंडीशन क्या है, उसको रेसिडेंट होना चाहिए इन एनी टू, कोई भी दो साल, ठीक है, एनी टू ईयर्स, कितने सालों में, आउट ऑफ 10 ईयर्स में, ठीक। लेकिन ध्यान दें, प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर, यानी ये हमारा प्रीवियस ईयर है, सपोज़ ये प्रीवियस ईयर है, प्रीवियस ईयर की डिफिनेशंस को बहुत ही डिटेल में समझाया एक वीडियो में, प्लीज़ उसको देखेंगे, ठीक है, इसको छोड़ देंगे और इससे पहले के लास्ट 10 साल देख लेंगे, ठीक है, और कोई भी दो साल, ठीक है, उनको एनी, क्योंकि वर्ड क्या यूज़ हुआ है, एनी, एनी टू ईयर्स आउट ऑफ 10 ईयर्स प्रीसीडिंग द रिलेवेंट प्रीवियस ईयर, एक कंडीशन ये हुई, एंड क्योंकि दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करनी है ना, दूसरी कंडीशंस क्या है कि उसका स्टे इंडिया में कितना होना चाहिए, स्टे होना चाहिए इंडिया में कितने पीरियड में, इन लास्ट 7 ईयर प्रीसीडिंग वही रिलेवेंट प्रीवियस ईयर में उसका स्टे कितना होना चाहिए, 730 डेज और मोर, ठीक है। यानी जो हमारा प्रीवियस ईयर है उसको छोड़ के ये जो 7 साल हैं उसमें उसको 730 डेज और मोर रहना है, ठीक है। तो अगर सॉरी बोथ कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो वो क्या हो जाएगा, रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट। वन या नन कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो क्या हो जाएगा, वो रेसिडेंट एंड नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट हो जाएगा, ठीक है। फटाफट एक लीगल रीडिंग कर लेते हैं। इंडिविजुअल इज सेट टू बी एंड रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट इफ ही सेटिस्फाई बोथ द फॉलोइंग कंडीशंस। फर्स्ट कंडीशन, ही इज अ रेसिडेंट इन एनी टू आउट ऑफ लास्ट 10 ईयर्स प्रीसीडिंग द रिलेवेंट प्रीवियस ईयर। एंड कंडीशन नंबर टू, हिज टोटल स्टे, टोटल स्टे, टोटल स्टे इन इंडिया इन द लास्ट 7 ईयर प्रीसीडिंग द रिलेवेंट प्रीवियस ईयर इज 730 डेज और मोर, यानी 730 डेज है उसे ज़्यादा रहना है, टोटल स्टे, नॉट अ कंटिन्यूस स्टे की बात नहीं हुई है, ठीक है। इफ़ द इंडिविजुअल सेटिस्फाई बोथ द कंडीशंस मेंशन्ड, ही इज रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट, बट इफ ओनली वन कंडीशन इज सेटिस्फाइड और नन ऑफ द कंडीशंस आर सेटिस्फाइड, द इंडिविजुअल इज सेट टू बी रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट, ठीक है। सो आई होप आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो, कोई भी डाउट हो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और कोई भी टॉपिक आपका लग रहा है कि मैं रेसिडेंट एंड रेसिडेंट ऑफ इंडिविजुअल के टॉपिक में मिस की हूँ लास्ट टू वीडियोज़ में, तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में बताएं ताकि वो बाकी स्टूडेंट्स के लिए कवर्ड हो जाए, तो हम उसको एनोटेशन के फॉर्म में स्टूडेंट्स तक पहुँचा देंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, और अगर आपको पसंद नहीं आया या कोई चीज़ मिसिंग है तो अपने आप सजेशंस हमें कमेंट सेक्शन में दें ताकि हम उसको एनालाइज़ करें और फ्यूचर वीडियो में कवर कर सकें, ठीक है। वीडियो को शेयर करें, मैक्सिमम लोगों तक पहुँचाएँ ताकि हर के पास एक क्वालिटी नॉलेज, आपका इसमें कोई नुकसान नहीं होगा। बहुत स्टूडेंट सोचते हैं यार मैं क्यों फॉरवर्ड करूं, मेरे को जीतना है, यार आप एक चीज़ बता दे, कोई भी जंग अकेले नहीं जीती जा सकती है, और जिसकी जो डेस्टिनी में फिक्स है वो उसे मिलके रहेगा, उसके लिए आपको हार्डवर्क खुद करना है। और कई बार क्या होता है ना, आप जब दूसरों को शेयर कर देते हैं तो वो आपसे कुछ ऐसे क्वेश्चंस पूछ लेते हैं या कोई ऐसे पॉइंट अराइज कर देते हैं जिस पर आपको शायद से ध्यान नहीं गया होता है, और आप उस पॉइंट को देखते हो और वो एग्ज़ाम में आ जाता है, एंड देन एट टाइम आप थैंकफुल होते हो। इसीलिए ग्रुप डिस्कशन और ग्रुप पार्टिसिपेशन को फोर्स किया जाता है, ठीक है, बट लर्निंग रिवीजन वो इंडिविजुअल लेवल पे फोकस की जाती है, ठीक है। तो प्लीज़ इसको शेयर करें, मैक्सिमम लोगों तक पहुँचाएँ, खुद भी बेनिफिट हो और हमें भी मोटिवेटेड रखें, ठीक है। सो क्वालिटी नॉलेज को रेगुलर पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें ताकि जब भी नए वीडियोज़ अपलोड हों आपके पास लेटेस्ट वीडियोस की अपडेट आती रहे। सो क्वालिटी नॉलेज को गेन करें, हमारे साथ जुड़े रहें। जय हिंद, जय भारत।